हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई एस दरबार। 25 जून के डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल हैं और साथ में बहुत अच्छे बेसिक फैक्ट्स हैं। और सबसे बड़ी बात, आज हम एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी सुनने वाले हैं और वो स्टोरी है इमरजेंसी से जुड़ी हुई। तो आज के पर्सपेक्टिव से कैसे इमरजेंसी को जोड़ करके देखा जा सकता है, ये आज हमें इस आर्टिकल से पता चलने वाला है। बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट्स आपको पता चलेंगे, जिनको कन्फ्यूजन रहता है कि क्या हुआ था, कब हुआ था, उस समय में क्या स्थिति बना दी गई थी इमरजेंसी के दौरान, तो वो सब हम आज जानेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज के कंपैरिजन में हम उस सारे इवेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो चैनल है आई एस दरबार, ये नया चैनल है, लेकिन आप जो हमारे व्यूअर्स हैं वो पुराने हैं। जो नए लोग हैं जो अभी तक फॉलो नहीं कर रहे थे इस एक्सप्रेस के डिस्कशन को और अभी नया उन्होंने देखा है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आती रहें आपके पास, और जो भी हम नया सीरीज़ शुरू करते हैं या नई चीज़ें स्टार्ट करते हैं वो आपको पता चल जानी चाहिए। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताएं कि जो डिस्कशन है स्टेप अप आईएएस का, एक्सप्रेस का, वो आईएएस दरबार पर कंडक्ट किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमारे उस यूट्यूब चैनल में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, तो अब वहाँ पर हम वीडियोस को अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल को आगे बढ़ाने में, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आइए आज का डिस्कशन कोटेशन से शुरू करते हैं। कोफी अन्नान साहब का कोटेशन है, जेंडर इक्वलिटी इज मोर देन अ गोल इन इटसेल्फ। समझ में आ गया क्या टॉपिक है? जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी पे जब भी आपसे आता है ऐसे राइटिंग में या एथिक्स में, तो वहां पर आप इस कोटेशन का यूज कर सकते हैं। इट इज अ प्री कंडीशन फॉर मीटिंग द चैलेंज ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग गुड गवर्नेंस। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं तो उसके पहले का जो प्री कंडीशन है, अब यहाँ से आप पूरा का पूरा एक आंसर राइटिंग समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी सोसाइटी में जेंडर इक्वलिटी को लाने की बात करते हैं, वहाँ पर हमें पॉवर्टी को, गरीबी को कम करने के बारे में सोचना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे लेकर के आया जाए, उसको कैसे प्रमोट किया जाए, और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस को जब हम वहाँ पर लेके आएंगे तो सोसाइटी में अपने आप जेंडर इक्वलिटी धीरे धीरे आता जाएगा और ये एक गोल की तरह होना चाहिए। आज के डिस्कशन में क्या कुछ होने वाला है, तो सबसे पहला फैक्ट कोटेशन का आपको पता चल चुका है, उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक फैक्ट्स, बैकग्राउंड्स, जिससे कि आपको आर्टिकल को समझने में तो मदद मिलेगी ही, साथ में आपका जो बेसिक है वो भी मजबूत होता जाएगा। आज हम तीन आर्टिकल को डिस्कस करेंगे रोज की तरह। एक 1975 लेसन फॉर 2020 जो बड़ा सा आर्टिकल आया हुआ है एडिटोरियल पेज पर, उसको हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा आर्टिकल होगा जो आइडियाज के पेज पर है, हाउ टू प्ले अगेंस्ट चाइना। तो आपको बता दें कि हम रोज एक ना एक एंगल चाइना के बारे में, इंडिया चाइना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ आज भी एक नया एंगल आपको मिलेगा। और एक्सप्लेन्ड पेज पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, उसको जानना बहुत जरूरी होगा आपके लिए, वहां पे कुछ बेसिक फैक्ट्स इकोनॉमी के मिलने वाले हैं। ठीक है, सो मेंस का आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी दिया गया है और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है ट्राई करने के लिए। जो लोग आंसर कर रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, और जो लोग नहीं कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में वो प्लीज आंसर कीजिए। आपका कमेंट्स जो होता है बहुत ही प्रेशियस होता है, हम लोग उन कमेंट्स को देख करके बहुत मोटिवेट होते हैं, तो आपके द्वारा जो लिखा गया एक या दो शब्द होता है वो बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। फ्रेंड्स, तो ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ जो हमारा एक बॉन्डिंग हुआ करता था उसको प्लीज़ कंटिन्यू करें। नाउ क्या क्या टॉपिक, क्या क्या पॉइंट आपको पता चलेगा? मीज़ा एक्ट, यूएपीए में हुआ बदलाव 2019 में, जो आपको जाना बहुत ज़रूरी है, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, उसके बाद जो डिक्लेरेशन है चाइना इंडिया के बीच में, वही कोई क्या होता है आपको पता चलेगा आज। डिफेंस वाइट पेपर, क्या भारत इस तरीके की कोई भी पेपर को जारी करता है, या VAT क्या होता है, तो ये सारे फैक्ट जानने के लिए आपको बने रहना है कहाँ तक, अंत तक, और प्लीज लास्ट तक आपको डिस्कशन में रहना है अगर आप अपना फायदा चाहते हैं तो। ये आर्टिकल होगा हमारा फर्स्ट, दूसरा आर्टिकल हाउ टू प्ले अगेंस्ट चाइना, तीसरा एक्सप्लेन पेज पर डिस्कशन है। ठीक है, आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, तीन क्वेश्चन है आज और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो अभी इमरजेंसी वाला आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं उसी में एक एंगल ये भी है, दैट डू यू थिंक द रीजन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एज वेल एज कोविड क्राइसिस आर गिविंग मोर पावर टू ब्यूरोक्रेसी एंड आर वीकनिंग द इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस। क्या ब्यूरोक्रेसी को, ऑफिशियल्स को ये ज़्यादा ताकत दे रहा है अभी जो प्रीवियस 2019 में जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, यानी जब नई सरकार का चुनाव हुआ उसके बाद जो भी बदलाव हुए हैं संविधान में, क्या वो ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज़्यादा
ताकत दे रहे हैं, वहीं जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसको वीक बनाते जा रहे हैं। आपको अपनी समझ से इसका आंसर लिखना है, आप जो सोचते हैं, और इसका कुछ हेल्प आप आर्टिकल से ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस एंड द नीड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। इस पर हमने 2-3 आर्टिकल डिस्कस किया हुआ है, और आज का भी हमारा एक आर्टिकल जो है वो उसमें आपको कुछ फैक्ट्स मिल जाएंगे। जो प्रेजेंट सिचुएशन अराइज हो गई है इंडिया चाइना बॉर्डर पर, उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, उसके लिए कितना जरूरी है इस तरीके की कोई भी स्ट्रेटजी भारत के लिए। तीसरा सवाल है, डू यू थिंक फ्लक्चुएशंस इन द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल मेक्स इंडियन इकोनॉमी वल्नरेबल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्रूड ऑयल जिस तरीके से इसके दाम बढ़ते घटते हैं और वो हमारी की पूरी अर्थव्यवस्था को इधर से उधर कर देते हैं। आप देखिए, आपको हर चीज़ का दाम आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा, इन्फ्लेशन एकदम से ऊपर चला जाता है, फिर अगर एक लिमिट से ज़्यादा ये दाम कम हो जाता है तो उसको बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको अपने हिसाब से आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, एग्जांपल्स के साथ आप अपना आंसर रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख लें, 3 क्वेश्चन है आज, मीज़ा पर है पहला सवाल, दूसरा सवाल UAPA पर है, और तीसरा सवाल भी UAPA पर है, लेकिन जो अभी रीसेंट बदलाव है उसको टारगेट करके क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है, आपको मालूम होगा यहाँ पर एक प्रॉपर कोर्स है, जो नए लोग हैं उनको बता दें, क्लासरूम प्रोग्राम के साथ पर्सनल गाइडेंस का एक प्रोग्राम आपको दिया जाता है, आपको एक छोटे से ग्रुप में रखा जाता है और आपके कोचेज होते हैं, कोच आपको मदद पहुंचाते हैं हर एक चीज़ के लिए, आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, एक टाइम मैनेजमेंट की डायरी भी आपको दी जाती है। आई विल ऐड, इसको मैं अगले दिन से ऐड करूंगी, डायरी किस तरीके की है, क्या है। हालांकि ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, 8750069419 पर, किसी भी जानकारी के लिए। अगर आप बिगिनर हैं, फ्रेशर हैं, तैयारी कैसे करें समझ नहीं पा रहे हैं, तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई डिस्कशन की शुरुआत करते हैं और आपको ले चलते हैं 1975 में, जब इमरजेंसी लगा दिया गया था। GS पेपर 2 पॉलिटी में इसको एसोसिएट करेंगे, और बैकग्राउंडर में पहले हम जानते हैं मीज़ा के बारे में। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में इसको पास किया जाता है इंडियन पार्लियामेंट में, और ये एक ऐसा एक्ट था जिसने बहुत ज़्यादा पावर दे दिया इन्फोर्समेंट एजेंसीज को। इनडेफिनिट प्रिवेंटिव डिटेंशन किसी भी इंडिविजुअल का किया जा सकता है, ये अधिकार दे दिया मीज़ा ने। इसके अलावा सर्च एंड सीज ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट वारंट, बिना किसी वारंट के एक व्यक्ति के, इंडिविजुअल के प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है। तो ये जो अधिकार थे, ये बहुत अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अधिकार थे, और इसका भरपूर इस्तेमाल इमरजेंसी के समय में किया गया था। आपको याद होगा, अपोजिशन के बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था डिटेंशन के इस पर मामले में, और उनको कोई भी वहाँ पर आज़ादी नहीं दी जा रही थी, ना ही बोलने की आज़ादी दी जा रही थी, ना ही अपनी बात को रखने की, और इवन अपनी अपील को कोर्ट तक ले जाने की भी आज़ादी नहीं दी जा रही थी। ये समय था इमरजेंसी का, और 1975 से लेकर के 1977 का जो पूरा वो सिचुएशन था वो बहुत ही टफ माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में, और उसके बाद चीज़ें बदलती हैं। 1977 में जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट अपना पद खो देती है जनरल इलेक्शन में, तब जा करके इस एक्ट को रिपील किया जाता है, ठीक है। तो मीज़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और ये फिर से न्यूज़ में आया है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर वाला जो मुद्दा है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को बदला गया है, उसके बाद से ये सारे कानून अक्सर न्यूज़ में बने हुए हैं, तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की भी बात कर लेते हैं, UAPA। देखिए कब इसको पास किया गया, 1967 में इसको पास किया जाता है। इसके नाम से क्लियर हो रहा है ना, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। कोई भी ऐसा अनलॉफुल एक्टिविटी अगर होने वाला हो, उसको प्रिवेंट करना है, उसको रोकना है, उसके आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, और अब इसमें कई सारे नए कानूनों को जोड़ दिया गया है। तो दिस रेफर्स टू एनी एक्शन टेकन बाय द इंडिविजुअल और एसोसिएशन इंटेंडेड टू डिसरप्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अगर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी पर सवाल उठता है और उसको डिसरप्ट करने की कोशिश की जाती है, तो यहाँ पर एक्शन लिया जा सकता है, ये कहता है UAPA का जो कानून है वो। और इसके अलावा इट हैज़ डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट एज द हाइएस्ट पनिशमेंट। तो हाइएस्ट पनिशमेंट के तौर पर डेथ पेनल्टी भी इम्पोज किया जा सकता है, इंडियन एंड फॉरेन नेशनल दोनों पर चार्ज होता है UAPA। क्यों? क्योंकि सवाल है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का,
तो ये हमें बात बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर प्रिलिम्स में यहाँ से स्टेटमेंट पूछ लिया गया तो कंफ्यूज नहीं होना है। इंडियन और फॉरेन नेशनल दोनों पर लागू हो सकता है ये। इसके अलावा इट कैन फाइल अ चार्ज शीट इन मैक्सिमम 180 डेज आफ्टर द अरेस्ट। तो अरेस्ट के 180 डेज के अंदर आप फाइल जो अपना चार्जशीट दायर कर सकते हैं। इसके अलावा जो बदलाव हुआ है वो जानना ज़रूरी है। अगस्त 2019 में यानी पिछले ही साल अमेंडमेंट किया गया, बदलाव किया गया, और एक बहुत बड़ा बदलाव था ये। इसके पहले 2014 में भी इसमें बदलाव किया गया था, ठीक है। तो 2019 में जो बदलाव है इसमें किसी भी इंडिविजुअल को एज अ टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है, डेजिग्नेट किया जा सकता है। पहले क्या था, पहले किसी एसोसिएशन को, ऑर्गेनाइजेशन को ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया जाता था, लेकिन अब इंडिविजुअल को भी यूएपीए के अंतर्गत चार्ज किया जा सकता है। और इसके लिए जो एम्पावर किया गया जिस ऑर्गेनाइजेशन को, वो है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बहुत सारे अधिकार इसमें दिए गए इस बदलाव के द्वारा। और इससे जो इंस्पेक्टर या उनसे अबव रैंक के होते हैं वो लायबल होते हैं कि इसमें जो भी केसेस की जानकारी है और छानबीन करना है वो उनके अंतर्गत किया जाए। आई होप ये सारा बेसिक फैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब मेन आर्टिकल पर चलते हैं और बात करते हैं उस इमरजेंसी की, जिसका नाम जब उस समय के लोग लेते हैं तो वो काम चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या था इस इमरजेंसी में? आपको बता दें 21 महीने तक चला था ये इमरजेंसी, यानी कि आज जो सिचुएशन आप फील कर रहे हैं लॉकडाउन, और ये ऐसा लॉकडाउन है जो एक वायरस की वजह से हुआ है। यहाँ पर आपको कानून आपका साथ दे रहे हैं, सरकार आपके साथ खड़ी है, आपको एक वायरस से बचाने के लिए घर के अंदर रहने को कहा जा रहा है। लेकिन आप एक ऐसा सिचुएशन समझिए जब अगर आपको ऐसा लगे कि पूरे के पूरे देश में इमरजेंसी को लागू कर दिया गया है, सारी जो चीज़ें हैं वो सामान्य नहीं रह गई हैं, और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है वो आपकी सरकार है जिसको आपने चुना है। तो ऐसा ही हुआ था उस समय में। 25 कहा जाता है कि 25 जून को ही रात 12:45 यानी कि 11:45 पर इमरजेंसी को इफेक्ट में ले आया गया था, क्योंकि उसी समय में प्रेसिडेंट का साइन करा लिया गया था। हालांकि फॉर्मेलिटी के तौर पर इसको अगले दिन सुबह 6 बजे एक कैबिनेट मीटिंग होती है, जिसको कि द दिन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा बुलाया जाता है और फिर फॉर्मल तरीके से अनाउंस कर दिया जाता है 26 जून को नेशनल इमरजेंसी का, ठीक है। बिट्रेइंग देयर ओथ ऑफ ऑफिस एंड अबेंडनिंग प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, कहा जाता है कि ये एक ऐसा समय था जहाँ पे कि बहुत सारे ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज थी जिसने अपने पद की गरिमा को समझा नहीं था, जिन्होंने। तो यहाँ आपको हम बात कर रहे हैं राइटर के अकॉर्डिंगली, ये हमेशा याद रखिएगा। तो राइटर ने जो पूरे आर्टिकल को लिखा है वो अपने अकॉर्डिंगली लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बहुत ही बायस नहीं होना है, हमें बिल्कुल न्यूट्रल होकर सुनना है, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसको अपने दिमाग में रखना है। तो राइटर का मानना है कि उस समय में ये एक पहला ऐसा समय था जब दादन प्रेसिडेंट ने अपने जो उनकी गरिमा है, जो उनके पद की गरिमा है जिसका उन्होंने ओथ लिया था, उसकी इंटीग्रिटी को समझा नहीं। और इसके हालांकि इसमें ये जो पूरी इमरजेंसी समय में लगाई गई थी उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार उस दादन प्राइम मिनिस्टर और संजय गांधी जी को ठहराया जाता है, लेकिन इसमें बाकी लोग भी उतने ही भागीदार थे जो इनके साथ बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहे थे। आपको बता दें कि उस समय में कई सारे कानूनों को पास कर दिया गया था। कांग्रेस पार्टी में सिर्फ दो व्यक्ति को छोड़ करके पूरी की पूरी पार्टी अपने उस पूरे डिसीजन का, उस इमरजेंसी का सपोर्ट कर रही थी। इस समय में कई ऐसे इलीगल लॉज को लाने की कोशिश की गई और उसका समर्थन भरपूर तरीके से किया गया। तो जिस तरीके से यहाँ पर मिसेस गांधी और संजय गांधी को ब्लेम किया जाता है, वैसे ही बाकी जो नेता थे, ऑफिशियल थे, वो भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं। पार्लियामेंट में क्वेश्चन आर, कॉलिंग अटेंशन मोशन, इन सभी चीज़ों को दूर कर दिया गया इमरजेंसी के नाम पर। जितने भी ऐसे करिकुलम होते हैं जो आपकी डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं, उसको बाईपास कर दिया गया। एंड मीजा द ड्रैकोनियन एक्ट, के बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि ऐसे ऐसे एक्ट लाए गए जो अपने आप में बहुत ही ड्रैकोनियन साबित हुए। 9 हाई कोर्ट्स के कहने के बाद कि इस तरीके का जो ड्रैकोनियन एक्ट लाया जा रहा है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, लोगों को बंद किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इस पर हमने पहले भी आर्टिकल डिस्कस किया हुआ है, एडीएम जबलपुर वर्सेस एस शुक्ला का केस। तो लेकिन हाईकोर्ट के कहने के बावजूद भी कई सारे ऐसे, जुडिशरी में भी तब देखा गया था कि जुडिशरी भी
गवर्नमेंट के सपोर्ट में आ गई थी और उस समय में डेमोक्रेसी को दोनों तरफ से कुचला गया था। तो ये समय था पूरे इमरजेंसी का जिसको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। और अब ये राइटर कहती हैं कि आज की जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं वैसे ही इमर्ज हो रही है। तो राइटर इंडियन एक्सप्रेस को भी यहाँ पर इसका भी जिक्र करती हैं कि उनके जो फाउंडर हैं रामनाथ गोयनका साहब, उन्होंने भी इस इमरजेंसी का विरोध किया था, जबकि उनको पता था कि अगर फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आती है तो उनका ऑब्वियसली न्यूज़पेपर जो है वो चलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने जो ड्रेकोनियन एक्ट लाए जा रहे थे या जिस तरीके के बर्ताव अपोजिशन लीडर्स के साथ या अन्य नेताओं के साथ हो रहा था, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। द रूलर अलोन इज नॉट अकाउंटेबल, कहा जा रहा है कि सिर्फ रूलर ही अकाउंटेबल यहाँ पर नहीं होता है किसी भी चीज के लिए, उसमें बाकी लोग जो सहमति दे रहे होते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो चाहे वो जनता हो, वो सभी उसके लिए जिम्मेदार होती है, अकाउंटेबल होती है। तो हिस्ट्री ने हमें कई सारी चीजें दिखाई हैं, जिस तरीके से अलग अलग डिसीजंस लिए गए उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, और आज की जो स्थिति है वो वैसे ही दिखाई दे रही है। एवरीवन एवरीवन हु कम्स टू अथॉरिटीज नो लेस गिल्टी। अगर आप हर कानून को चुपचाप मान लेते हैं, हर चीज को वैसे ही मान लेते हैं, तो आप भी कम गिल्टी नहीं हैं, अगर वो कानून आपके सपोर्ट में नहीं है तो। अब ये थोड़ा सा सरकाज़म लिख रही हैं, इनका कहना है कि जो पिछले दिनों जितने भी बदलाव हुए, जो भी अमेंडमेंट हुए, या अभी जो कोविड क्राइसिस है, उसकी वजह से ऑफिशियल्स को, ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया है, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो लगातार वीक होते जा रहे हैं, उनके अधिकारों को, उनके पावर्स को कम किया जा रहा है रेगुलरली। एंड जस्टिस हैज बिन डिलेड और डाइवर्टेड इन सम कंपेलिंग ह्यूमन राइट मैटर्स। तो इनका कहना है कि जब अभी आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया, तो कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें भी हुई, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने हैं जो ये बताते हैं कि कैसे ह्यूमन राइट्स का भी वॉयलेशन हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर ये कहती हैं कि 82 ईयर ओल्ड लीडर को कश्मीर में गिरफ्तार किया जाता है हैबिस कॉर्पस पिटिशन के अंतर्गत, और उसके बाद यहाँ पर उनकी वाइफ ने ऑब्वियसली एक पिटिशन दायर किया हैबिस कॉर्पस का, लेकिन उस पर ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई। और ये जो ऐसे इवेंट्स हैं वो बताते हैं कि कैसे फिर से एक बार ड्रैकोनियन तरीके से लॉ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज़, तो यूएपीए का भी आपको जिक्र किया गया कि जो बदलाव किया गया है कि इंडिविजुअल को भी इसमें डिटेन किया जा सकता है, और उनको ये मानते हैं कि किस तरीके से इसका भी यूज़ किया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान। जब ये एक्ट आया तो आपको मालूम है कि कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ इसके खिलाफ, सीएए के खिलाफ, और इसमें जो लोग सबसे ज़्यादा ट्रबल में आए वो स्टूडेंट और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोग थे। तो अब उनको चार्ज कर लिया गया अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के तर्ज पर, और उसके बाद जब वो आगे अपील के लिए जाते हैं तो उनकी कोई अपील आगे सुनी नहीं जाती है, कोर्ट में भी उनकी अपील को नहीं लिया जाता है, या कई बार ये कहा जा रहा है कि कोविड की वजह से अभी डील नहीं कर सकते केसेस को। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि उनको भी वही चीज़ फील हो रही है, या वैसे ही स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जो स्थिति इमरजेंसी के समय में लोगों के सामने थी। फिर ये जिक्र करती है केस का, भीमा कोरेगांव वायलेंस केस का जो 2018 में हुआ था, याद होगा आपको, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक एंटिसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया, और ये बेल होना था जर्नलिस्ट का गौतम नावलकहा और प्रोफेसर आनंद तेलडुम्बे, ये जो लोग हैं इन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी वहां पर जो वायलेंस हुआ था, और इसके इसमें ही उनको अरेस्ट किया गया था। ये सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं ये लोग, और इनके बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। सो द टू हैव बीन डिटेन्ड अंडर द अनलॉफुल एक्ट प्रिवेंशन एक्ट एज अमेंडेड इन जुलाई 2019। ये जो यूएपीए का अमेंडमेंट हुआ 2019 में, उसके बाद इनको डिटेन किया गया था। ठीक है, इट इज अ लॉ मीन फॉर टेररिस्ट विच मेक सिक्योरिंग बेल डिफिकल्ट। तो यूएपीए जब लगा दिया जाता है, आपको अभी एक और केस बताती हूँ, ये तो यहाँ पे दो लिखा हुआ है और आज ही के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, सफूरा केस जो है उनको अभी बेल मिल गई है, और वो उन्होंने अपील किया था दिल्ली हाई कोर्ट में कि चूंकि शी इज़ प्रेग्नेंट तो उसके बेसिस पर उनको बेल दिया जाना चाहिए, लेकिन उनको भी यूएपीए के अंतर्गत ही चार्ज किया गया है, और ये सीएए वाले केस में ही उनको पकड़ा गया था। तो
देखिए कितना टफ हो जाता है ऐसे में बेल कराना, और इस वजह से जब यूएपीए के अंतर्गत किसी को चार्ज किया जाता है तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है वहाँ पर किसी भी प्रोसीजर को डील करना। और वही ये आर्टिकल में लिख रहे हैं, डिलेड द नेक्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब दूसरा मुद्दा क्या है, दूसरा मुद्दा ये है कि कोविड की वजह से अब जो ये पार्लियामेंट का सेशन है वो डिले होगा। इसके अलावा पहले ही कोर्ट का प्रोसीजर काफ़ी डिलेड चल रहा है, तो ऐसे में कोई भी मीनिंगफुल डिबेट का हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं क्या? एक तो चाइनीज इंट्रूजन, दूसरी तरफ पेंडेमिक है, और इसकी वजह से जो सेशन वगैरह डिलेड होंगे या कोर्ट का जो भी प्रोसीजर वो थोड़ा डिले चल रहा है, इसमें हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी मीनिंगफुल डिबेट को यहाँ पर कैरी किया जा पाएगा, कैरियर ऑफ द वायरस? अब दूसरी तरफ ये आती हैं न्यूज़पेपर पर, इनका कहना है कि इस वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा जो मार झेलनी पड़ रही है वो न्यूज़पेपर को झेलनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये कहा गया कि न्यूज़पेपर की वजह से वायरस स्प्रेड हो सकता है, ये कैरियर की तरह काम करेगा, इसलिए न्यूज़पेपर को नहीं लेना है। तो जो लोग प्रिंट न्यूज़पेपर को लेते थे, अब बहुत सारे लोगों ने उसको लेने से मना कर दिया है, और इसकी वजह से इसके सर्कुलेशन में काफ़ी दिक्कत आ गई है, और इसमें जो काम करने वाले लोग हैं जाहिर तौर पर उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस से काफ़ी ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। और एक जो इनका कहना है राइटर का, कि एक जो अच्छा माध्यम है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे फेक न्यूज़ आते हैं, अलग अलग प्रोपेगेंडाज को लाया जाता है, लेकिन जब भी आप प्रिंट मीडिया की बात करते हैं तो बहुत ही एक्यूरेट न्यूज़ को, वहाँ पर कोई फेक न्यूज़ नहीं रखा जाता है, जो भी न्यूज़ डोमेन में चल रहा होता है उसको आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन वो भी अभी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन में आ गए हैं बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन। कंक्लूजन का कहना है, अनदर डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑफ लेट इज फॉर FIR टू बी फाइल्ड ऑन द फ्रीवोलस चार्ज अगेंस्ट जर्नलिस्ट। अब जर्नलिस्ट पर ये फिर से कहती हैं कि एक तरफ तो प्रिंट मीडिया में इतनी बड़ी दिक्कत आई हुई है, दूसरा कि लगातार जर्नलिस्ट के खिलाफ जब FIR वगैरह हो रहे हैं, और ये यहाँ पर डायरेक्ट काउंटर कर रही हैं गवर्नमेंट को कि जिस तरीके से इमरजेंसी के समय में जो कुछ ऐसे कुछ होते हैं ना नेताओं के साथ जो लोग रहते हैं, वो संजय गांधी के कहने पर जो भी वो कहते थे वो उसको फॉलो करते थे बिल्कुल फॉलोअर की तरह, वैसे ही जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके भी कई सारे भक्त हैं जो उसको बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अ फ्री मीडिया वन शुड रिमेम्बर इज अ टच स्टोन ऑफ द डेमोक्रेसी। तो कहते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो हमारा अधिकार है, उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए, और वो जो डेमोक्रेसी है वो एक फ्री मीडिया से ही आपके सामने लाई जा सकती है। ठीक है, तो उन्होंने अपने एंगल से हर चीज़ को लिखा है, आपको सोच समझ के आंसर राइटिंग में चीज़ों को यूज़ करना है। दूसरा आर्टिकल है, हाउ टू प्ले अगेंस्ट चाइना, इंडिया चाइना IR एसोसिएट करेंगे। और अब इसमें देखिए क्या कुछ कहा गया है, तो प्रेजेंट कंडीशन को डिस्कस करते हुए कहते हैं कि गालवान वैली में जो हुआ सिचुएशन है उसकी वजह से इसने लोगों के एंगर को और ज़्यादा ट्रिगर कर दिया है, एंड स्पेशली अभी जो गवर्नमेंट का तरीका है इसको कंट्रोल करने का वो काफ़ी कन्फ्यूजन भरा लग रहा है। ना ही पब्लिक डोमेन में कुछ चीज़ें क्लियर करके कही जा रही हैं, ना ही स्ट्रेटजी क्लियर है, और एक्चुअली में वहाँ पर क्या हो रहा है इसको सही तरीके से सामने नहीं रखा जा रहा है, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी और कन्फ्यूजन वाला सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। नीड टू अंडरस्टैंड द चाइनाज कंडक्ट, इस समय में बहुत ज़रूरी है कि हमें चाइना की स्ट्रेटजी को समझना चाहिए, ये हमने हर आर्टिकल में आपको कहा है। ठीक है, अब देखिए इस आर्टिकल में ये क्या कहते हैं, इनका कहना है कि 1950 से ही अगर हम देखते आए तो सिनो इंडियन टेरिटोरियल डिस्प्यूट चला आ रहा है, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंस के पहले सिचुएशन वैसी नहीं थी, इसके पहले भी ब्रिटिश इंडिया के साथ भी चीज़ें होती थी, लेकिन जब जब से इंडिपेंडेंस मिला है तो उसके बाद भी स्थिति वैसी ही है। और ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है ये कोई नया नहीं है, ये लगातार चलता आ रहा है, और इसमें हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एम्स को लाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से चाइना एक एक बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से आगे बढ़ता है या डिसीजन लेता है, अपने ऑब्जेक्टिव को सामने रखता है, वैसे ही भारत को भी इसको काउंटर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर और ज़्यादा पॉलिटिकल अटेंशन को देने की ज़रूरत है, इंटेलिजेंस रिसोर्सेज को बढ़ाने की आवश्यकता है, जबकि भारत के पास इनफ इंटेलिजेंस अवेलेबल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमसे चूक होती है। जैसे कि ये प्रीवियस गवर्नमेंट का जिक्र करते हैं, मतलब दर्दन गवर्नमेंट का, कि जब जवाहरलाल नेहरू साहब का समय था तब उन्होंने एक मंत्र दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई,
याद होगा आपको, हिंदी चीनी भाई भाई का इन्होंने मंत्र तो दिया था, लेकिन उसके बाद ही 1962 में लड़ाई हो गई थी। तो इनका कहना है कि क्या नरेंद्र मोदी साहब भी उसी चीज पर चल रहे हैं? क्या इन्होंने जिस तरीके से जी जिनपिंग के साथ बातचीत की, कई सारे अभी दो इनफॉर्मल समिट हुआ भारत चाइना के बीच में, और ये हम एक उम्मीद जगाए बैठे हैं कि चाइना भारत के साथ दोस्ती कर लेगा और जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है इतने सालों का उसको भूल जाएगा। तो हमें किसी भी ऐसे डार्क कॉरिडोर में रहने की आवश्यकता नहीं है और एक प्रॉपर प्लान और स्ट्रेटजी को बनाने की जरूरत है। ये कहते हैं शतरंज और वेई कुई। देखिए, वेई कुई एक तरीके का गेम है, आप पता रखिएगा, न्यूज़ में आया है तो ध्यान में रहना चाहिए। ये है वेई कुई और ये है शतरंज। इनका कहना है कि अगर इंडियंस को ये लगता है कि इंडियंस के पास चेस है, यानी चेस खेलने वाला दिमाग है, तो चाइना के पास वही कोई है। जैसे चेस आपको सिखाता है, क्या सिखाता है? थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइकिंग ब्लोज, फाइटिंग पिच्ड बैटल एंड फाइनली चेक मेटिंग द ओपोनेंट। इस तरीके से आप अपने पूरे शतरंज की पारी खेलो कि आप सीधे चेक मेट करो अपने ओपोनेंट को और बाजी को जीत जाओ। लेकिन वैसे ही सिमिलर बोर्ड गेम चाइना के पास है वही कोई। ये क्या डिस्क्राइब करता है? ये कहता है, इफ चेस इज अबाउट डिसिसिव बैटल, वही कोई इज अबाउट प्रोट्रैक्टेड कैंपेन एंड स्ट्रेटजिक एनरिचमेंट। ये सिखाता है कैसे एनरिच करना है, स्ट्रेटजिकली कैसे आगे बढ़ना है और कैसे पूरे के पूरे एरिया को कैप्चर करना है। तो यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, वाइल चेस एनकरेज सिंगल माइंडेडनेस, वही कोई जनरेट गोल एंड स्ट्रेटजिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो दोनों ही देश के पास ये जो अपने अपने गेम्स हैं और माइंडसेट है, उस माइंडसेट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जिक्र करते हैं डिफेंस वाइट पेपर का। आपको बता दें 1995 से चाइना हर 2 साल में अपना डिफेंस वाइट पेपर इशू करता है, जिसमें इसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है, ऑब्जेक्टिव होता है, इंटरेस्ट होता है, ठीक है, कि इनको किस तरीके से अपने आर्म फोर्स को आगे बढ़ाना है, क्या करना है, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। और अभी तक 11 डिफेंस वाइट पेपर्स को इशू किया जा चुका है। बट व्हाट अबाउट इंडिया? आपको बता दें कि भारत में अभी तक कोई भी ऐसा डिफेंस वाइट पेपर या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं किया जाता आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को शो करता हो, रिव्यू देता हो। और हमने एक दिन डिस्कस किया था कि जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज का होना इतना ज़रूरी है कि जब भी कभी ऐसी स्थिति पैदा होती है जो आज हुई है लद्दाख में, उस समय में ऐसी स्ट्रेटजी हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकती है, किसी भी क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करने में बहुत मददगार साबित होती है। ऐसा कोई भी सिस्टम अभी इंडिया के पास, इंडिया ने डेवलप नहीं किया है। चाइना ड्रीम, अब चाइना की बात करते हैं एनसेट समय से लेकर के प्रेजेंट तक, कि चाइना का ड्रीम क्या रहा है। अगर हम इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो आपको एनसेट समय से ही पता चलेगा कि ये चाइनीज एम्परर जो है वो हमेशा से पूरे पूरे वर्ल्ड पर डोमिनेट करना चाहते थे। वो हमेशा से सुपर पावर या वर्ल्ड का नंबर वन पावर बनना चाहते थे, ठीक है, ये आज की बात नहीं है। स्ट्रांग नेशन ड्रीम का जो ये सपना है, ये चाइना का शुरुआत से रहा है और आज भी है। अ यूनिफाइड ग्लोबल सिस्टम एम्पायर टर्म टियानजिया, इसको टियानजिया कहते हैं, ऑल अंडर हेवन, ठीक है, एंड ट्रांसलेटिंग इट्स इनॉर्मस इकोनॉमिक गेन इंटू कोरेसिव मिलिट्री पावर। कैसे मिलेगा, कैसे आप वर्ल्ड के नंबर वन पावर हो सकते हैं? आपके पास मिलिट्री पावर का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमिक टर्म्स में आपको स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और आपको एक हेजेमनी क्रिएट करनी है, इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है अपने नेबरिंग कंट्रीज पर, नेबरिंग नेशंस पर, अपने आसपास आपका दबदबा, इन्फ्लुएंस, और उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग तरीके से विश्व के हर जगह पर आपका डोमिनेंस आपको वर्ल्ड का नंबर वन पावर बना सकता है। तो यही स्ट्रेटजी फॉलो करता है चाइना, और इसी में इसकी स्ट्रेटजी आती है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उसको आगे ना बढ़ने दो, प्रिवेंटिंग द राइज ऑफ पियर कॉम्पिटिटर। और इसलिए ये भारत को उकसाता है, परेशान करता है। 1962 से लेकर के 2020 का जो प्रेजेंट कंडीशन है वो ये दिखाता है कि कैसे चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ऐसी स्थिति को कैरी करना चाहता है, वो बरकरार रखना चाहता है, ताकि इससे जो इंडिया की अपनी स्ट्रेटजी है वो फेल होती रहे और इंडिया को परेशान किया जा सके, उसको आगे बढ़ने ना दिया जा सके। ये एक स्ट्रेटजी का ही पार्ट हो सकता है। कंक्लूजन के तौर पर यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस हर चीज़ को समझना होगा, ग्राउंड लेवल पर विजिबल बनाना होगा, एलएसी से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उसको सॉर्ट आउट करने के बारे में सोचना होगा, और इसके अलावा साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को हाई अलर्ट पर भेजना चाहिए। आपको बता दें, न्यूज़ भी आई थी कि कई सारे जो हैकर्स हैं वो लगातार
सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में साइबर इमरजेंसी का रिस्पॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है, उसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और जितने भी सिस्टम है वहाँ पर हमें अवेयर होना पड़ेगा। एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस शुड सीज दिस अपॉर्चुनिटी टू अर्जेंटली लॉन्च सम ऑफ द लॉन्ग टर्म आत्मनिर्भर स्कीम। और ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इस मौके का यूज़ करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना चाहिए, और आत्मनिर्भर अभियान जो हमारा लॉन्ग टर्म अभियान है उसमें डिफेंस प्रोडक्शन के स्कीम्स को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। अगला आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सप्लेन्ड पेज से, इकोनॉमी में आ जाएगा। क्रूड ऑयल से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बात करेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है जब दिल्ली में डीजल का दाम बढ़ गया है कंपेयर टू पेट्रोल। ठीक है, जानने के पहले हम वैल्यू एडेड टैक्स की बात करेंगे, VAT। बैकग्राउंडर के तौर पर क्या होता है VAT? ये एक सेल्स टैक्स है। ये सारे फैक्ट बहुत ही बेसिक हैं, याद रखिएगा, ये एक सेल्स टैक्स है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है कि आप कैसे इसको समझ सकते हैं। दूसरा आपको याद रखना है कि किसी भी कैस्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करता है, इसलिए वैट को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, एंड दिस टैक्स इज रीइंबर्स्ड बाय द इनपुट टैक्स क्रेडिट। याद है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, आप टैक्स देते हो, बाद में आपको इसको पे किया जाता है ऑफिशियल्स के द्वारा। तो इट इज़ अ क्रेडिट मैन्युफैक्चरर रिसीव्ड फॉर पेइंग इनपुट टैक्स टुवर्ड्स इनपुट यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। अ डीलर इज एंटाइटल्ड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट इफ ही हैज परचेज गुड फॉर रीसेल। तो यहाँ पर जो डीलर है उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है और उससे फिर उनका जो फाइनल टैक्स है वो घट जाता है या उसको रिम्बर्स कर दिया जाता है। तो ये है VAT, एक सेल्स टैक्स, जिसकी हम बात करेंगे आगे। तो पहली बार ऐसा हो रहा है, आपको मैंने बताया, जब 48 पैसे डीजल का दाम बढ़ गया। ये बहुत ही सरप्राइजिंग है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, और ये पिछले 18 दिनों से, नॉट हाइक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 18 डेज, 18 डेज से ये हो रहा है। और पूरे भारत में भी कुछ कुछ जगहों पर ऐसे ही सिचुएशन देखने को मिल रही है। प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज राइजन बाय 8.5 पर लीटर रुपीज के हिसाब से, एंड द प्राइस ऑफ डीजल हैज इंक्रीज्ड रुपीज 10.5 पर लीटर सिंस जून 7। तो जून 7 से ये हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या स्थिति रही, क्या दिक्कत रही, तो इसमें लॉकडाउन ने अपना क्या रोल प्ले किया, ये सब हम जानेंगे। कॉज बिहाइंड द डिफरेंसेस, ये जो डिफरेंसेस है इसके पीछे का कारण ये कैलकुलेट करके आपको बता रहे हैं कि ये जो प्राइस गैप आया पेट्रोल और डीजल में वो कैसे आया। तो 5 मई की बात करते हैं, 7.3 रुपीज था व्हेन द दिल्ली गवर्नमेंट इंक्रीज वैट। अब डीजल पर वैट को दिल्ली गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, ठीक है, 30% कर दिया, 16.75% से सीधा 30% पर कर दिया, मतलब सीधा डबल कर दिया गया वैट को। वहीं पेट्रोल को 27% से 30% पर किया गया बढ़ा करके। तो इसीलिए यहाँ पे आपको जो ये पॉइंट का डिफरेंस, 48 पैसे का डिफरेंस नजर आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि अचानक इसका वैट डबल कर दिया गया। एंड डीजल ऑल्सो अट्रैक्ट द एडिशनल एयर एम्बियंस लेवी। इसके अलावा एक और इसमें एडिशनल एयर एम्बियंस लेवी लग रहा है 250 रुपये पर किलोमीटर के किलोलीटर के हिसाब से, जिसकी वजह से इसका दाम थोड़ा और बढ़ गया है। अगला जो कॉज है वो है OMC, जो ऑयल मैनेजिंग कंपनीज हैं, उनके हिसाब से क्या दिक्कत आ रही है। सो अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट, देर इज वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल करेंटली, लीडिंग टू टैक्सेस बिकमिंग द की कंपोनेंट मेंटेनिंग अ प्राइस डिफरेंसेस बिटवीन द पेट्रोल एंड डीजल। देखिए, हुआ यूं कि कुछ दिनों से लॉकडाउन की वजह से जो रिवाइजिंग प्राइसेस करते थे, ये लोग रिवाइज करते थे, प्राइसेस को चेक करते थे, वो नहीं किया गया है। ठीक है, ये OMC ने क्लियर किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट OMCs है, ऑयल मेकिंग कंपनी है, उसने क्लियर किया कि दे हैड डिसाइडेड टू स्टॉप रिवाइजिंग प्राइसेस इन द लाइन विद द इंटरनेशनल प्राइसेस, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो गया था, प्राइस क्रूड ऑयल का प्राइस एकदम नीचे जा रहा था, आपको याद होगा। तो इसीलिए वो प्राइस को रिवाइज करना कुछ समय के लिए बंद कर चुके थे, और चूंकि उसको अगर रिवाइज किया जाता बार बार तो वो सस्टेनेबल नहीं होता, क्योंकि पता चला आज कुछ दाम बढ़ा, फिर कल घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, तो इसके लिए इन्होंने कुछ समय के लिए प्राइस को रिवाइज करना बंद कर दिया था। एंड द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर नाउ रिवाइजिंग प्राइसेस इन अ लाइन विद द गाइडलाइंस, एंड डोमेस्टिक प्राइस ऑफ पेट्रोल डीजल आर राइजिंग इन द लाइन विद द इंटरनेशनल प्राइसेस। तो अब वो रिवाइज कर रहे हैं फिर से ऑयल पेट्रोल और डीजल के दाम को, इस वजह से कि फिर से ये बदलाव आपको देखने के लिए मिल रहा है। आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस है, आपको पहले डिस्कस कर दिया गया है, प्लीज ट्राई कीजिए, बहुत जरूरी है।
और ये अब आपके सामने सवाल मीजा से जुड़ा हुआ दो स्टेटमेंट है। पहला है इट वॉज गिवन इनडेफिनिट प्रिवेंटिव रिटेंशन ऑफ इंडिविजुअल सर्च एंड सीज ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट वारंट। दूसरा है लॉ पास बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 1971। तो सही बताइएगा सही आंसर इसका क्या है। यूएपीए पर दूसरा सवाल है और तीसरा सवाल भी यूएपीए पर है। पहला इसमें स्टेटमेंट है कि द अमेंडमेंट बिल 2019 टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल एज टेररिस्ट एंड द एक्ट एम्पावर्स द ऑफिशियल ऑफ द एनआईए ऑफ रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और अबव टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ टेररिज्म। तो सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ ज़रूर किया कीजिए आंसर्स को। और प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं जो कल का क्वेश्चन था H1B वीज़ा को लेकर के था। दोनों स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। कंफ्यूज नहीं होंगे आप आई होप, क्योंकि कल हमने इसको डिस्कस किया है। दूसरा सवाल मामल्लापुरम से आपसे पूछा गया था, इसमें भी दो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर सी होगा। सप्त पगोड़ा महाबलीपुरम को ही कहा जाता है यानी मामल्लापुरम को, ये आपको याद रखना है। और तीसरा सवाल आपसे पूछा गया था सेकेंड इनफॉर्मल समिट के बारे में, तो ये कहाँ हुआ है, बी मामल्लापुरम में। पहला कहाँ हुआ है, वुहान में हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स अ लॉट, कीप स्टडिंग।